हेलो दोस्तों, हम हैं कॉमिक कजिन्स और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मून नाइट के एपिसोड 4 के ईस्टर एग और एंडिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले पहले यह एपिसोड धीमा चल रहा होता है, मगर कुछ समय बाद यह एपिसोड अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। हम लास्ट एपिसोड में देखे थे कि कोंगशु को इम्प्रिजन किया गया था तारो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। यहाँ हम देखते हैं ऑसिरिस का अवतार सिर्फ उसको एक जगह पर रखा जाता है। यहाँ हम बाकी गॉड्स को भी देखते हैं, लेकिन बहुत जूम करने के बाद, मगर तब भी वो कौन कौन से गॉड्स है वो पता नहीं चलता है। अगर मुझको कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं अगले वीडियो में कवर कर लूंगा। नेक्स्ट, जब वो दोनों अंदर जाते हैं तब हम गेट पर ही पैंथर जैसे स्टैचू देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर का गॉडेसेस है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि इजिप्शियन गॉडेसेस वाकांडा कैसे पहुंचा। तो कॉमिक्स में यह होता है कि वाकांडा में जब वाइब्रेनियम गिरता है उससे वाकांडा के लोग जॉम्बीज बनने लगते हैं, और तभी बास्ट आके उन्हीं के वॉरियर्स को वरदान देते हैं और वो ब्लैक पैंथर बन जाते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि लायला बोलती है यह एक मेज है, पर स्टीवन बोलता है नहीं, यह आईज ऑफ हॉरस है। तो बेसिकली इजिप्शियन मिथोलॉजी में यह एक अच्छी और प्रॉस्पेरस चीज होती है। अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो यह हमें हर मुश्किल से बचाता है। अब हम एंडिंग में आते हैं। जब आर्थर स्टीवन को गोली मारता है तब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि कैसे ये फिर से रिबॉर्न होगा, क्योंकि कोंगशु तो नहीं है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम एक एसाइलम में होते हैं जहां वांडा विजन की तरह स्टीवन का पैरोडी वर्शन को देखते हैं, जैसे इंडियाना जोन्स को हमने दिखाया गया था टीवी के थ्रू। उसके बाद हम सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं जिसको स्टीवन मार्क देखता है। यहां मुझे लगा कि वो क्रॉले है। देन हम लायला को भी देखते हैं। यहाँ आर्थर इस एसाइलम का एक डॉक्टर होता है। देन मार्क को हम देखते हैं वो भाग के एक कमरे में चला जाता है जहाँ एक सार्कोफेगस में स्टीवन को ढूंढ लेता है। यहाँ एक चीज है कि दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है। वहाँ और एक सार्कोफेगस देखते हैं, पर उसे वो दोनों नहीं खोलते हैं। ये शायद उन लोगों का थर्ड आइडेंटिटी होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक हिप्पो गॉडेसेस को, जिसको देख के दोनों ही चौंक जाते हैं और उसका लड़कियों वाला आवाज सुनकर डर जाते हैं। यहाँ भी ऑस्कर आइजैक का फैबुलस एक्टिंग दिखाई देता है। दोनों का चिल्लाना और एक्सप्रेशन डिफरेंट थे, ऐसे वो दोनों अलग इंसान हैं। तो हमने जो वो गॉडेसेस को देखा था वो एक्चुअली फेरट है, इजिप्शियन गॉडेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड मदर। जिन लोगों को आफ्टर लाइफ में हेल्प की ज़रूरत होती है वो उन लोगों को बचाने आती है। तो यहाँ वो स्टीवन को बचाने के लिए आई है। यहाँ एक चीज़ हो सकता है कि अभी तक जो कुछ हम देखते हैं फ्रॉम एपिसोड 1 to episode 4 वो सब उसके माइंड में ही हो रहा हो। ये अगर हुआ तो सबका व्हाट द फक मोमेंट हो जाएगा, जो लास्ट 10 मिनट्स में सबका गारंटेड हुआ होगा। और बस हम यह वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन का बेल दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको ऐसे ही ऑसम कंटेंट चाहिए। सो स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे नर्डी। हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो।